दोस्तों, आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद और अमेरिका के धरती पर पहुंचते ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को हराने के लिए भारतीय टीम के बेहद ही खतरनाक 11 भूखे खिलाड़ी का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने अमेरिका के पिच को देखते हुए ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ी को मौका दिया है जिसे देख कर पाकिस्तान के टीम में तूफान आ गया है। तो दोस्तों, आपको बताएंगे आखिरकार रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को हराने के लिए आखिरकार किन किन खतरनाक खिलाड़ी को मौका दिया है। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी और खतरनाक बल्लेबाज है? कॉमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आईपीएल 2024 खत्म हो चुका है, आपको बता दे कि आईपीएल 2024 की विजेता कोलकाता बनी है। फाइनल में शाहरुख खान की टीम ने हैदराबाद को हराकर इतिहास रच दिया। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। हैदराबाद की टीम केकेआर के महारथियों के आगे हैदराबाद ने घुटने टेक दिए। महामुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद थी क्योंकि दोनों ही टूर्नामेंट के बेस्ट टीमें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिचेल मार्श और अंदर रसेल के आग उगलती गेंदों का हैदराबाद के बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके चलते टीम 113 रन पर ढेर हो गई। तो वहीं दोस्तों, टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर ने 10.3 ओवर में ही 114 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। अब दोस्तों, आईपीएल तो खत्म हो गया, लेकिन अब सभी फैंस की निगाहें अमेरिका और वेस्टइंडीज के धरती पर होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर टिकी है, जहां सभी भारतीय फैंस चाहते हैं कि इस बार हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप जरूर जीते। आपको बता दें कि अब आईपीएल खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जून के महीने में किया जाना है, जो कि अब शुरू होने में कुछ दिन ही बचा है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। आपको बता दें कि हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप ए का हिस्सा है। टीम इंडिया अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ हमारी भारतीय टीम का मुकाबला 9 जून को खेला जाना है। वहीं अमेरिका के खिलाफ 12 जून और कनाडा के खिलाफ 15 जून को खेला जाएगा। अमेरिका और कनाडा के खिलाफ हमारी भारतीय टीम पहली बार कोई T20 मैच खेलने जा रही है। यह मैच इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इन दोनों टीम में कुछ भारतीय खिलाड़ी भी मौजूद है जो टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का पहला बैच अमेरिका रवाना हो गया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हेड कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम रावला आवल, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, अक्षदीप सिंह, खलील अहमद, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल शामिल है। वो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका पहुंचते ही कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के टीम को कुचलने के लिए आखिरकार किन किन खतरनाक खिलाड़ी को मौका दिया। आपको बता दे तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने खुद के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दोनों ही बल्लेबाज कितने ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है और शुरुआत से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल मूल रूप से एक बल्लेबाज है, वही दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज। पिछले 6 महीनों में उन्होंने टेस्ट और T20 फॉर्मेट में लगातार ओपनिंग की है, इसलिए इस वर्ल्ड कप में भी जायसवाल को कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग में बल्लेबाजी करने का मौका दिया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2024 के शुरुआती कई मुकाबले में उनके फॉर्म में जोरदार गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल फॉर्म में भी लौटे थे। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ वो यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 60 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। इनमें 9 चौके और 7 छक्का शामिल थे और इस पारी को खेलकर यशस्वी ने अपने फॉर्म में लौटने का संदेश दे दिया था। तो वहीं रोहित शर्मा ने
इस आईपीएल में बेहद ही खतरनाक और शानदार बल्लेबाज की थी, जो सभी जानते हैं। भले ही मुंबई इंडियंस टीम का सफर इस आईपीएल में बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से इस आईपीएल में धमाल मचा दिया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज अभी शानदार फॉर्म में है। वही दोस्तों, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली के बिना T20 वर्ल्ड कप जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद ही मुश्किल है। आपको बता दें कि विराट कोहली अभी बेहतरीन फॉर्म में है, जो हम सभी ने इस आईपीएल में देखी थी। भारतीय टीम के लिए यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी बात है। आपको बता दें कि 35 साल के विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में कुल 15 मैच खेले हैं, जिसमें 741 रन बनाए हैं, और इस दौरान किंग कोहली के बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। विराट कोहली ने दूसरी बार ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि विराट कोहली ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 2 बार ऑरेंज कैप जीता है। इससे पहले कोहली ने 2016 के सीजन में 973 रन बनाकर ऑरेंज कैप के अपने नाम किया था। दोस्तों, विराट कोहली की इस शानदार फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तान के टीम में दहशत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के टीम को भी कोहली के इस शानदार फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा टेंशन में है। और दोस्तों, हम सभी को उम्मीद है कि विराट कोहली अपने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए जरूर पाकिस्तान के खिलाफ इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाए। वही अगर चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर पर दोस्तों T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भले ही वनडे मैच में सूर्य कुमार यादव अब तक भारतीय टीम के लिए अच्छे बल्लेबाजी साबित नहीं हो पाए, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य कुमार यादव T20 मैच के लिए बेहद ही बड़े खिलाड़ी है। दोस्तों, जिस तरीके से विराट कोहली के बिना T20 वर्ल्ड कप जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद ही मुश्किल है, वैसे ही सूर्य कुमार यादव के बिना टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। इसलिए दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे नंबर पर खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को मौका खेलने का मौका दिया है। वहीं दोस्तों, अगर पांचवें नंबर की बात करें तो दोस्तों पांचवें नंबर पर ऋषि पंत विकेट कीपर करने के साथ साथ खतरनाक बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ करने आएंगे। दोस्तों, ऋषि पंत ने इस आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करी है और सभी को पता है कि ऋषि पंत भी अपने दम पर भारतीय टीम को मैच जिताने का दम रखते हैं। अब दोस्तों, अगर आठवें नंबर की बात की जाए तो दोस्तों इसमें शिवम दुबे को कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया है। तो शिवम दुबे ने भी इस आईपीएल में बेहद ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजी की है और अपने आप को साबित किया है कि वे वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में खेलने का हकदार रखते हैं। वहीं दोस्तों, अगर सातवें और आठवें नंबर की बात करें तो सातवें और आठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा अपने खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पाकिस्तान की टीम को धजिया उड़ा देंगे। हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या और जडेजा कितने बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो बल्लेबाजी से अगर धमाल नहीं मचा पाते हैं तो गेंदबाजी में विरोधी टीम को बैंड बजाकर रख देती हैं। अब दोस्तों, अगर आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, चहल को पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया है। वहीं दोस्तों, अगर तेज गेंदबाज की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों अक्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे हाई वोल्टेज क्लासेज गेंदबाज को कप्तान रोहित शर्मा ने मौका दिया है, जो अपने खतरनाक गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजी को बैंड बजा कर रख देंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुमन गिल और संजू सैमसन, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में मौका नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पाकिस्तान को कुचलने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन खतरनाक खिलाड़ी को मौका दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और हमारी टीम इंडिया में से कौन मुकाबला जीत पाएंगे? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइएगा।